ओम शांति। वर्तमान आम समस्ते यही चिंताधारा रखिबा उचित जे तीनी काल कथा को स्मृति रे रखिकि आम जदि कार्य करिबा ताहले निश्चित भावरे आम सफलता प्राप्त करिपारिबा बा विजयी होइपारिबा। बाबा कहुचंती जे पिलामाने सकाळु सकाळु उठि तुम्हें मते मने पकाओ, एटा होचे प्रथम नियम बा बाबांकर श्रीमत जहाँ कि आमे पालन कले निश्चित भावरे आमर कल्याण हेबो एवं आमर स्थिति उच्चा होई पारिबो। मुक्ति जीवन मुक्ति पाइबा पई हेले बाबा कहुचंती जे ज्ञानर चिंतन मंथन ही करिबा उचित। खाइला बेले सुइला बेले कहा साथीरे कथा हला बेले चालिला बेले जे कोनोसी भी समय रे आमे परमात्मा को जदि मने पकेबा ताहले निश्चित भावरे आमे परमात्मा को मने पकई तांगो साथीरे जाई पारिबा। एवं बाबा को जंती जे निज घरु प्रथमे तुमे दान देबार स्टार्ट करो बा निज घर को प्रथमे स्वर्ग बनाओ। आसंतु आज आमे मीठा मुरली सुनिबा 18 सेप्टेम्बर 2021 साकार महावाक्य। आज बाबा कहते मीठे बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम अर्थात दान पुण्य प्रथमे निज घर ही आरंभ हुए। निजर परिवार लोक मानंकु ज्ञान सुनाओ, निजर समसाथी मानंकर कल्याण कर। आज बाबा प्रश्न हैला क्यों श्रीमतर पालन करुथिबा पिला माने निजर अवस्था को एकनिष्ठ ओ स्थिर रखिपारिबे। बाबांक उत्तर हैला अवस्था को स्थिर रखिबा पई बाबांकर श्रीमत हेउची पिला माने प्रतिदिन सकाळु सकाळु अमृत बेळारु उठि बहुत स्नेहर सहित बाबांकु मने पकाओ। निजकु आत्मा मने कर एवं बाबा जहाँ शुणाउछंती ताकु शुण। जदि बाबांकु मने न पकाइब तेबे मनरे व्यर्थ विचार चालिब, व्यर्थ संकल्प आसिब। सेथिपाई बाबा श्रीमत देउछंती पिला माने प्रतिदिन सकाळु सकाळु उठि निजे निज सहित प्रतिज्ञा कर जे चालिबा बोलिबा खाइबा सोइबा भोजन प्रस्तुति करिबा समय रे केवल एकमात्र बाबांकु ही मने पकाइबी। ओम शांति। मीठा मीठा पिला माने जानिछंती जे आत्मिक पिता हेउछंती सबु आत्माकर पिता जिए कि सर्वोच्च अटंती। तांकु ही शिवाय नमः कुहा जाए जहाँकु फादर अर्थात पिता मध्य कुहा जाए। से ही पिता स्वर्गर रचयिता अटंती जहाँकु पतित पावन ज्ञानर सागर कुहा जाए। एबे तुमे जानिछ आमे तांको निकटरे बसिछु एही कथा तुममानंकु बुझेबाकु हेबो। जेपरी कौनसी एक गीता पाठशाला रे कृष्णंकर गोटिए 6 फुट लंबार चित्र थिला तेबे कृष्णंकु वास्तवरे छोट पिला रूपरे ही देखाई थांती। पुणी कही थांती सी गीतार भगवान थिले तेबे सी गीता केबे सुनैले बाल्यावस्थारे ना जेतेबेले 6 फुट उच्चर होइगले सेतेबेले सुनैले। राधा एवं कृष्णंकर जोड़ी थिला। राधा कृष्णंकर सम्बन्धरे कौन थिले राधांकु भगवती एवं कृष्णंकु भगवान कहुचंती। एही दुई जणंकर सम्बन्ध कौन एकथा काहाकु जणा नाही। कृष्ण गीतार उपदेश देइथिले किंतु केबे जेतेबेले तुम्हें एही भली प्रश्न पचारिबो तेबे मनुष्य बुझिजिबे जे एकथा ब्रह्मा कुमार कुमारीक व्यतीत आउ केही पचारि पारिबे नाही। केही बड़ राजा महाराजा होइथिले मध्य सेमाने सन्यासी मानंकु देखिले तांको पादतळे निश्चित पड़िजिबे। ए विषय रे कहार मध्य पचारिबार साहस नथाए। तुमे तो साहस करुछ कहिबे ब्रह्मा कुमारी मानंक भितरे एते ज्ञान अछि जहा कि रचयिता एवं रचनार ज्ञान एभली भावरे देई पारुछंती। राधा कृष्णंकर जीवन कहानी मध्य सुनाउछंती। तुमे समस्तंकु पचारि पारिब जे शिव जयंती पालन करुछ पूजा मध्य करुछ तेबे सी निश्चित केबे आसीथिबे। तेणु शिव जयंती अथवा शिवरात्रि पालन हेउछि
सीए केबे आसी थिले शिव बाबा तो निराकार अटंती तांकर निजर शरीर नाही जदि शिव जयंती पालन करुछंती तेबे निश्चित रे शरीर रे आसीथिबा निराकारंकर जयंती बा जन्मदिन किपरि होई पारिबो आत्मा तो अमर अटे जयंती सेतेबेले पालन हुए जेतेबेले मरिबे एवं जन्म हेबे आत्मार जयंती होई न थाए आत्मा तो अविनाशी अटे एपरी कहाजीव नाही जे आत्मार जयंती शिव तो हेउछंती निराकार तांकर लिंग रूपरे चित्र बा मूर्ति रखा जाइछि तुममानंकर एही विचार अथवा चिंतन रहिबा दरकार एठारु निजर घर बा कर्मधंदारे जीवा कारणरु एही सबु कथा बुद्धिरु बाहरी जाउछि चिंतन चालू नाही गुरु मानंकर आकर्षण रूपक जंजीररे मध्य बहुत मनुष्य फसी रहिछंती से कथा न कहिले भल स्त्री लोक माने बहुत सरल अटंती ना तुमे सेमानंकु पचारी पारिबो जे शिव जयंती तो पालन हेउछि किंतु से किए सीए केबे आसीथिले एवं कौन करिथिले जयंती माने ही जन्मदिन निराकार शिवंकर जन्मदिन पालन हेउछि सीए तो निराकार अटंती तेबे तांकर पुणि जन्मदिन किपरि पालन हेउछि सीए काहा शरीर आसिले आत्मा जेतेबेले शरीर को आसीथाए तेबे कुहा जाए जन्म होइगला आत्मा तो आत्मा ही अटे जेतेबेले शरीर रे प्रवेश करिथाए सेतेबेले कुहा जाए आत्मा अभिनय करिबा पई शरीर धारण कला सीए तो निराकार अटंती सीए किपरि जन्म हेले काहा शरीर रे आसिले तांकु तो परमात्मा कुहा जाए एही कथा काहाकु मध्य जणा नाही जदियो बहुत शास्त्र आदि पढ़ी किंतु किछि हेले जणा नाही एबे तुमे ज्ञान रे भरपूर अट एबे तुमको ज्ञान ही सुनेबार अछि केही केही दुई तीन वर्ष आसिला परे पुणी अज्ञान रो प्रवेशता होई जाउछि बाबा पुणी अज्ञान को बाहर करी ज्ञानर धारणा कराउछंती एबे तुम्हमानंकु ज्ञान दिया जाउछी जदि परिवारर पुरुष ज्ञान रे थिबो स्त्री अज्ञान रे थिबो तेबे जेपरि हंस एवं बगुला होइजिबे सेथिपई प्रथमे तो स्त्री को ज्ञान देबा उचित स्त्री पति को गुरु ईश्वर बोली मानि थाए तेणु स्त्री को गुरुंकर आज्ञा मानिबा उचित ना ए सबु एठिकार पुरुणा दुनिया रो कथा सेठारे अर्थात नुआ दुनिया रे आज्ञा मानिबा बा न मानिबार प्रश्न ही उठे नाही समस्ते स्नेहर सहित चलंती सेठारे अर्थात सत्य जुगरे एभली कौनसी कथा हुए ही नाही तेबे चैरिटी विगन सेट होम परिवारर जदि स्त्री ज्ञानरे आसुची किंतु पति ज्ञानरे आसु नाही तेबे से कौन करि पारिबो भू भू करिबाकु पड़िबो पिला छुआंकु मध्य भू भू करिबाकु हेबो अर्थात ज्ञान सुनैबाकु हेबो निजर समसाथी मानंकर मध्य कल्याण करिबाकु हेबो सेमानंकु मध्य कुह बाबांकु मने पकाओ एबे तो लढ़ाई अर्थात युद्ध सम्मुखरे उपस्थित बाबा मध्य आसी जाइछंती मनुष्य डाकुछंती हे पतित पावन आस वर्तमान पतित दुनिया रो विनाश हेबार अछि तेबे तुमे पुणी पतित काही कि हेउछ जदि केही माता ज्ञान मार्ग रे चालुछंती तेबे तांकर कर्तव्य हेला निजर समसाथींकर अर्थात माता मानंकर कल्याण करिबा एबे तुमे बाबांक ठारु 21 जन्म पई सारा राज्य नेउछ तुमको केही हात लगाई पारिबे नाही तुमे सारा विश्वर मालिक हेउछ देख केते पार्थक्य रहिछि एही भली संपत्ति देलावालांकु केते मने पकाइबा दरकार एठारे तो बहुत अछंती जेउ माने कि सारा दिन भितरे शिव बाबांकु थरे हेले मने पकौ नाहंती सारा दिन घर कर्मधंदार झंझट भितरे ही रहुछंती नहले सकाळु उठि बाबांकु बहुत स्नेहरे याद करिबा उचित बाबा आपणक सहित मु प्रतिज्ञा करूछि जे मु आपणक ठारु संपत्ति निश्चित नेबी बाबा
ଆପଣ କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମୋର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା କୁହାଯାଏ। ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନେବି। ଏବେ ମୋତେ ତୁମ ପ୍ରଧାନରୁ ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇବି। ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇବି। 63 ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କେତେ ପାପକର୍ମ କରି ଆସିଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେତେ ପାପର ବୋଝ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବି। ଏହିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଚାଲିବ। ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ମୋତେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଅଛି। ଜଣାନାହିଁ, କାଲି ଯଦି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ତେବେ ମୁଁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବି କି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ଡର ରହିଛି ନା? ବାବା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନେବି। ପୁଣି ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆଜି ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ, ନିୟମପୂର୍ବକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଲାଗିଯିବ ତେବେ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବ ତେବେ ତୁମର ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ନେବାକୁ ହେବ ନା, ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରିକାମାନେ ବହୁତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଘରମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ନିଅ, ଅମୁକ ନିଅ, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ସୁଖ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଶନ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମବାଲାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କେତେ ବୁଝାଉଛ? ଯଦିଓ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକରି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଗଳାରେ ରତ୍ନମାଳ ପକାଇଲେ ସିଏ ପଥର ମନେ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ତେବେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ପଥର ମନେ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଧର୍ମର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ ହେବ। କଥା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକି ଆସିଛ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛ। ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ଗୀତାରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଲେଖା ହୋଇଛି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ସାଧୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ସୀତାମାନଙ୍କର ରାମ। ଏବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭକ୍ତିନୀ ଅଥବା ସୀତାମାନେ। ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ରାମ, ଏଠାକୁ ଆସି ସୀତାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ, ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ। ବାସ୍ତବରେ ରାଜା ରାମଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବା ରାମଙ୍କୁ କଳା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତାୟାରେ ସୁନ୍ଦର ଅଥବା
पवित्र ही थांती तापरे पुनी श्याम बा पतित होई थांती प्रथमे हेला गोल्डन एज बा सत्य युग तापरे सिल्वर एज कॉपर आयरन एज त्रेता द्वापर कली वर्तमान हेला कली युग जेतेबेले सत्य युग थिला सेतेबेले भारतर केते सम्मान थिला तेणु सुंदर कौशल पूर्वक बुझेबा उचित से माने एते सहजरे तांकर जिद्रु ओहरिबे नाही वृक्षर आयुष जेतेबेले अधिक होई जाए तेबे वृक्ष जिन्नसिन्न होई जाए आयुष त एही दुनियार मध्ये अछि ना नुआ दुनिया एवं पुरुणा दुनिया पुरुणा अर्थात कली युग तम प्रधान दुनिया एथिरे केही जणे हेले सत प्रधान रही पारिबे नाही एबे तम प्रधानतार विनाश हेबार अछि तेबे नुआ दुनिया स्थापन करिबे सेही पिता एमिति नुहे जे सबु प्रलय होइजिबो बाबांकु सेतेबेले डाकी थांती जेतेबेले पतित होई जांती तेणु कही थांती आसी पवित्र कर तेबे आसीबे तो निश्चय पुरुणा दुनिया रे जेहेतु पतित पावन बोली कुहा जाउछि तेबे निश्चित अंतिम समय रे ही आसीबे सी निजे कहुछंती मु कल्प कल्प धरी कल्पर संगम जुगरे ही आसुची पावन दुनिया तयारी करिबा पई एबे हेला संगम जुग एबे बाबा समस्तंकु सद्गति को नै जाउछंती तेणु एभली बाबांको श्रीमतरे चालिबा उचित ना निजर अवस्था को मजबूत करिबाकु हेबो अमृत बेळार उठी बाबांको याद करिबाकु हेबो निजकु आत्मा मने करिबाकु हेबो ए सबु शरीरर अंग प्रत्यंग अटे बाबा कहुछंती हे पिला माने मु तुमकु जहा सुणाउछि ताहा सुण मुक्ति जीवन मुक्ति पाइबा पई आउ कहारि कथा सुनो नहीं परम धाम रु बाबा आसी पावन करिबा पई तेबे तुमे पुराणा शास्त्र पुराण को काहीकि मने रखिछ भक्ति सेथि पई करि थांती जे भगवान मिलिबे तेबे सिए समस्तंकर सद्गति दाता बाबा अटंती ना बाबांको व्यतीत एही ज्ञान केही देई पारिबे नाही एही लक्ष्मी नारायण को मध्य एही राज्य किपरि मिलिला आत्मा पाई कहुछंती ताहा बिंदु अटे भ्रुकुटी मझीरे विचित्र तारका चमकुछि बाबा बुझौछंती जे तुम्हें माने मते कहुछ परमपिता परमात्मा लौकिक पितांकु केबे परमात्मा कुहा जीव कि परमात्मा जे कि परमधाम रे रहुछंती तांकु कुहा जाउछि सुप्रीम सोल अर्थात परमात्मा सीए तुमर पिता अटंती सी आसी यांको अर्थात ब्रह्मांको शरीर रे प्रवेश करुछंती गुरु तो शिष्य पाखरे बसिबे ना एही सबु कथा कोनोसी शास्त्र रे नाही एबे तुमे जानिछ सी आमर पिता अटंती 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य बाबा आसी जोग सिखैथिले जे मते मने पकाओ एवं विष्णुपुरी को मने पकाओ तेणु निश्चित संगम जुगरे ही कहिबे सत्य जुगरे गोटिए धर्म थिला तेबे निश्चित पुनर्बार गोटिए धर्म ही हेबना एबे सबु धर्म विनाश होइजिबो एहा सही समय अटे बाबा कहुछंती मते मने पकाओ तेबे मु तुमको विश्वर मालिक करिदेबे तेणु बाबांक स्मृति रे रहिले तुमे तुम प्रधान रु सत प्रधान हेबो बाबा कहुछंती जदि पिला माने भल सेवा करुछंती मु तांको स्मरण करुछि काही कि ना से माने मोर सहयोगी अटंती अनेकंकर कल्याण करुछंती तेणु से माने मते प्रिय लागुछंती तुमको तो एकमात्र बाबा ही प्रिय लागुछंती जहांक ठारु संपत्ति मिलुछि सेथि पई तुम मानंकु भल भावरे पुरुषार्थ करिबाकु पड़िबो यादर यात्रा रे रहिबाकु हेबो बहुत एणु तेणु व्यर्थ विचार मध्य आसिबो भक्ति मार्ग रे निजकु दंड मध्य देई थांती जे मते शिवंकर दर्शन मिलु बहुत परिश्रम करि थांती दर्शन करिबा पई एठारे तुमे जानिछ जे बाबांको स्मृति रे पाप कटि जिवो एवं 21 जन्म पई संपत्ति मिलिबो दर्शन हेबा द्वारा कोनोसी पाप कटि जाय नाही बाबा
जे कि विश्वर मालिक करुछंती तांकु तो बहुत स्नेह रे मने पकाइबा उचित एबे तुमर बुद्धि रे रहिछि जे आमे कौन हेउछु परवर्ती जन्म रे मु एया हेबी एहा सत्य जुगर राजकुमार कुमारी हेबार ही कले चटे बाबा आसी धर्म स्थापना सह देवी राजधानी मध्य स्थापन करुछंती। अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह बरा स्मृति एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते आत्मिक संतान मानंकर मध्य आत्मिक पितांकु स्नेह बरा स्मृति एवं सुप्रभात एवं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार एक नंबर पॉइंट हैला मुक्ति जीवन मुक्ति पाइबा पाई बाबा जो ज्ञानर कथा सुनाउछंती ताहाकु ही सुनिबार अछि एवं धारण करिबार अछि बाकी आउ सब भूली जीवार अछि निजर एवं निजर लौकिक परिवारर कल्याण करिबार अछि। दुई नंबर पॉइंट हैला व्यर्थ चिंतन को समाप्त करिबा पाई सकाळ सकाळ उठि विचार सागर मंथन करिबार अछि बाबांक स्मृतिर यात्रा रे सदा तत्पर रहिबार अछि। आजिर वरदान हैला तीनि काल को सम्मुखरे रखी प्रत्येक कार्य रे सफल हेउथिबा सदा विजयी हुअ। वरदानर विस्तार हैला लौकिक रीति रे मध्य जेउ माने बुद्धिमान अटंती से माने आग पछ चिंता करी कोनोसी कार्य करिथांती सेही परी एठारे मध्य तुमे माने जदि कोनोसी कार्य करूछ तेबे प्रथमे तीन काल को सम्मुखरे रखी तापरे कर्म कर केवल वर्तमान को देख नाही विशाल बुद्धि धारण कर एवं विजयी पणियार निश्चय आधार रे बा त्रिकालदर्शी स्थिति आधार रे प्रत्येक कर्म कर बा प्रत्येक वाणी सुनाओ तेबे कुहाजीव अलौकिक बा असाधारण। आजिर स्लोगान हैला विनाशी सहारा गुड़ी को छाड़ी एकमात्र बाबांकु सहारा करिदियो तेबे पारी होइजीव। अच्छा ओम शांति।